हाँ जी, फिर हमने बीज को सुधार करके शोध करके नमक द्वारा 8-10 अच्छे पानियों में अच्छी तरह साफ किया उसको। और साफ करने के बाद हमने उसको मच्छरदानी द्वारा साफ किया, मच्छरदानी में डाल के उसको, और अच्छी तरह 8-10 पानी अच्छे पानियों में साफ किया। और फिर उसके बाद हमने ड्रम में 20 किलो बीज था, 20 लीटर ही पानी लिया। ये 20 लीटर पानी है, ये 20 लीटर पानी ही लिया। और उसके अंदर हमने स्टेप्टोसाइक्लिन, ये 20 से 25 किलो बीज के लिए होती है, 6 ग्राम की पुड़िया है, इसको पानी में अच्छी तरह मिक्स करके, आधे लीटर पहले आधे लीटर पानी में अच्छी तरह मिक्स करके और 20 लीटर पानी में मिलाया। और फिर उसके साथ 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से कार्बोडिज्म, किसी भी कंपनी की हो सकती है कार्बोडिज्म, जैसे 20 किलो बीज था तो 40 ml हमने इसको पर लगाया है, और पानी में मिक्स करके फिर 20 किलो बीज हमने इसके अंदर छोड़ दिया है, जो 25-26 घंटे इसके अंदर बीजा रहेगा दवाई के अंदर। इसके अंदर बीगड़ा क्यों जरूरी है, जो खेत के अंदर जाके बकानी रोग आता है, बकानी रोग का यहीं पे कंट्रोल होता है, और खेत में अगर ये फंगस चली जाएगी उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं है। फंगस रोग का इलाज जो पौधा, बकानी रोग क्या है, जो पौधा बढ़ के सूख जाता है, और अगर बीज को ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा और हमारा बहुत ज़्यादा लॉस करेगा ये, बाद में इसका कोई इलाज नहीं होता। अब हमने इसके अंदर 20 किलो बीज था, 20 लीटर ही पानी लिया, और उसमें 40 ml कार्बोडिज्म लिया और 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लिया, इसमें मिलाकर हमने इसको 24 से 28 घंटे के बीच में, यानी 24 घंटे से कम नहीं डूबना चाहिए, यानी 24 घंटे से ज़्यादा 25, 26, 27, 28 जितना मर्जी लगा हुआ, आप 24 घंटे से ज़्यादा डुबोकर और फिर जर्मिनेशन के लिए निकालेंगे। जब ये निकालेंगे फिर उसकी वीडियो में अलग से डालूँगा।